तो भाइयों कैसे हैं आप सब। मैं हूँ शोगुन और ये मेरा फर्स्ट वॉइस ओवर वीडियो होगा। तो माइक की क्वालिटी थोड़ी ख़राब है पर ठीक हो जाएगी धीरे धीरे करके। अभी इस गेम प्ले वीडियो में मैं कुछ ऐसा खास नहीं कर रहा, नॉर्मल गेम प्ले वीडियो है। लास्ट में चिकन डिनर मिल जाता है। तो अभी वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक बॉट को मार कहते हैं। चलो तो पबजी का सबसे आसान काम करके आ गए, बॉट को पेल दिया। अभी इस मैच में मैं अपने स्क्वाड के साथ नहीं खेल रहा, रैंडम्स के साथ खेल रहा था। जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ, हम चार बंदों में से तीन बंदे रह गए। एक बंदा आते ही ऑफलाइन हो गया, पता नहीं क्यों, कुछ प्रॉब्लम होगा। तो अभी हम उतरे रोजोक, मेरी फेवरेट प्लेस है। तो थोड़ा लूटा आज, मैं हिल साइड गया कार लेने गराज से। तो आते समय पता नहीं कहाँ से कोई बंदा ऊपर से टैप टैप करके फायर कर रहा है कार पे। तो हम इधर रुके, देखते इस पे क्या होता है। अभी मुझे पता ही नहीं था मेरे पास कोई बड़ा स्कोप ही नहीं है। मैं होलोग्राफी लगा के टैप टैप करा जा रहा हूँ, बंदे को डरा रहा हूँ। तब मैंने सोचा थोड़ा हाई ग्राउंड ले लेता हूँ, भले ही रैंडम्स बंदे पर कुछ तो काम लगेगा। तो मैं ऊपर के साइड चला गया। अब इस भाई नंबर थ्री के पास था 8x मिनी पे, मतलब एकदम कतई जूम जूम होकर दिखता है बंदे कहाँ पर होते हैं। मेरे पास होलोग्राफी को पता ही नहीं चला। अच्छा हुआ इस बंदे ने एक नॉक किया, हम डायरेक्ट रश कर दिया हम लोगों ने। फिर ऐसा कुछ एग्रेसिव स्क्वाड वाइप था नहीं, इजी था। पर वो बंदा पता नहीं क्या कर रहा था, टॉप फ्लोर पे चढ़ने की कोशिश, मेरी कतई फट गई, अचानक सामने आ गया ना। तो अभी इधर बंदे नहीं मिल रहे थे तो हमने सोचा कहीं और जाते हैं। तो हम इधर से निकल गए फिर से। अभी हम लोगों ने सोचा ड्रॉप लूटते हैं। तो ड्रॉप लूटने आए तो देखा इधर एक फ्लैट ड्रॉप पड़ी थी पाउचिंग के बान हाउस साइड, तो उधर सीधा घूम गए। अभी रैंडम बंदों के साथ खेलने का एक प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन उतना अच्छा होता नहीं, और इधर का ड्राइवर पहले पी जाता है हम लोगों का। तो हम लोग कैसे भी भाग जाते हैं ऊपर से, मैं ऊपर से कुछ फायरिंग करते हैं तो स्क्वाड वाइप हो जाती है। शहर की यार एक नंबर गाड़ी रखा नहीं उधर, थोड़ा मैं भी मर जाता। बस मार करो मार करो मार करो, दोनों मिलके मार के तो मर जाएगा बंदा। अभी कोई माने या ना माने, पबजी में सांप को मारने का जो मज़ा आता है और किसी चीज़ में नहीं है। इधर हमारे एक बंदा मर गया पर उन लोगों का एक सांप ले लिया, और धीरे धीरे करके पूरा स्क्वाड ले लेंगे। नेट कौन चीज कमाएगा, नेट देखते हैं। किल मिल गया, अभी नंबर थ्री का फ्रैग अच्छा था, नेट लास्ट कौन बंदा चीज था, कमाएगा। ख़त्म हो गया। तो इधर दो स्क्वाड्स थी, दोनों में फाइट चल रही थी, और ये दोनों आपस में पता नहीं क्या कर रहे थे, बैठ गए कैम करके। तो देखते हैं, इन द सेंस हम लोगों ने थर्ड पार्टी कर दिया, तो थर्ड पार्टी सक्सेसफुल। तो अभी जोन बना था पोचिंग के साइड, जो अच्छा जोन होता है वैसे कवर्स के लिए। तो अभी हमारा एक बंदा नॉक हो जाता है रोड के उस पार, और मैं जाने की कोशिश करता हूँ तो उधर से फायरिंग होती है लेफ्ट के साइड से। तो अभी मैं जा भी नहीं पाता, स्मोक था नहीं मेरे पास। तो बाद में थोड़ा टाइम सोचता हूँ, बाद में सोचता हूँ अंधा रस कर दूँ भले मर जाऊँ, पर नहीं मरता, अच्छा होता है। और इधर आके भी दो बंदे थे, दोनों को पेल दिया, पर अफसोस कि मेरा एक बंदा भी चला गया। तो लास्ट में मैं सोलो सर्विस से जाता हूँ। एक नंबर बंदा घर में है, मारो उसको, घर के अंदर बैठा बैठा बैठा। अब भाई आप बताओ आपकी क्या राय है, सबसे अच्छी गन कौन सी क्लोज रेंज में, MK14 या M4? मेरे हिसाब से तो MK14 अच्छी है, इजी था। तो अभी एक बंदा चला गया, अभी लास्ट में सीधा लास्ट पार्ट में जाता हूँ जहाँ पर हम चिकन डिनर कर लिया हम लोगों ने।
अभी इधर नंबर थ्री कब से चिल रहा था कि पीछे देख ले, कोई अगर सांप होगा तो 10 लेगा, तो देखता हूँ पीछे एक सांप मिल भी जाता है तो उसको ख़त्म भी कर देता हूँ। और भी हो सकता है इधर, अभी भी अभी रिच के उस साइड वाले बंदे को 3-4 बुलेट्स पड़ी, हेल्थ बहुत कम हो गई उधर से वो भाग गया। अभी भाई ने प्रॉब्लम यह कर दी कि उसने दिखा दिया कहीं कौन से साइड जा रहा है, तो मेरे पास नेट था, नेट कुक करके आराम से उसको नॉक कर दिया। तो अभी इधर सिचुएशन ऐसी हो गई 1v1, क्योंकि सामने वाले का एक बंदा नॉक है, मैं अकेला हूँ और वो भी अकेला है। तो अभी नॉर्मली इस सिचुएशन में बंदे स्मोक करते हैं अपने भाई को बचाने के लिए या फिर ऐसे ही सेक्रीफाइस कर देते, पर ये भाई ने तो अंधाधुनी कर दिया। आ गए भाई, तो इजी चिकन डिनर मिल गया, पिक करके मार दिया। तो अगर गेम प्ले पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, कि 100 सब्सक्राइबर मिल जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी अभी के लिए। तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी। Excellent.